हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 कराऊंगी, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसकी आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं अपनी आरडी शर्मा की बुक से। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 हमने कर ली है, 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 हम कर चुके हैं, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। इसी के साथ साथ एक और चीज़, हमने जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप सभी को पता है कि उसकी वेटेज कितनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अलग से ही चैप्टर है, 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर मैंने अनअकैडमी पे स्टार्ट किया है, आपकी लाइव क्लास होती है, कल आपकी क्लास है 2:15 PM। तो उसका कोड, क्लास का कोड मैं आपको नीचे दूंगी, लिंक दूंगी नीचे, तो आप वहाँ से इस क्लास को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। 2:15 PM पे 1 आवर की क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है ये, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 NCERT से प्लस उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो साथ साथ हम कर रही हैं। ठीक है, तो लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलो शुरू करते हैं अब अपना हम क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व ग्राफिकली, ये भी ग्राफिकली है, क्वेश्चन 1 से 10 भी हमने ग्राफिकली किए थे। सॉल्व ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कह रहे हैं कि इसको ग्राफिकली शो करो, यहाँ पर शो करना है, सॉल्व नहीं, सॉरी, शो करना है कि जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक ही लाइन पर दूसरी वाली लाइन बनती है, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये अब आपको यहाँ शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखो वही सेम चीज़ है, पहले हम अपने सॉल्यूशन निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 2x प्लस का 3y इजिकल टू 6 है, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 माइनस का 3y डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। अब अगर मैं x और y के सॉल्यूशन यहाँ पर निकालूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3, क्योंकि 6/2 जो है वो 3 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 2 रखती हूँ तो 3 × 2 = 6, 6 - 6 = 0, 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन 1 के निकाल लिए। उसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, अब अपनी इक्वेशन 2 के भी निकाल लेती हूँ। तो पहले उससे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो 4x प्लस का 6y इक्वल टू 12 है यहाँ, तो यहाँ पर 4x इज इक्वल्स टू में 12 माइनस का 6y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12 - 6y/4। ठीक है, अब जो आप इसके सॉल्यूशन निकालोगे ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप निकाल के देखिए वो ऊपर वाले सॉल्यूशन से ही मैच करेगा हर हाल में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही लिख दो, पहले एक आपको सॉल्व करके देखना है। तो देखो अगर आप y की वैल्यू यहाँ 0 रखते हो तो 12 बचेगा ऊपर खाली, 12/4 = 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप y की वैल्यू यहाँ 2 रखते हो तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, 12 - 12 0/4 = 0 आ जाएगा। आ रहे हैं ना, सेम दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब जब इनके सॉल्यूशन एक जैसे हैं तो ये तो फिर तो ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा ना, कोइंसिडेंट लाइन, वही आपको यहाँ पर शो करना था। तो ये मेरे पास माइनस का एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है आपके पास, यहाँ पर माइनस का वाई एक्सिस होता है, ये आपके पास ओरिजिन होता है, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ले लिए, इतने नंबर्स की हमें वैसे ज़रूरत नहीं है, 0 और उसके फॉर्म में ही निकले हुए हैं हमारे। माइनस वाले 1, 2 ले लेते हैं, -1, -2, यहाँ पर भी -1, -2 ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूँ पॉइंट्स को, तो देखो जब x 3 था तो y 0 था, और जब x 0 है तो y कितना है, 2 है। तो ये लाइन कुछ ऐसे बनने वाली है, ये फर्स्ट इक्वेशन की है। अगर सेकेंड इक्वेशन की बनाओगे तो भी तो यही बनेगी, कोई चेंज थोड़ी आएगा दोनों में, क्योंकि दोनों के सॉल्यूशन तो सेम है। तो ये आ जाएगा 3 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 2, तो दोनों इक्वेशन की यही है। तो यहाँ लिख दो 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 6, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 4x प्लस का 6y इज इक्वल्स टू में 12। दोनों इक्वेशन का सेम है ना, तो एक ही स्ट्रेट लाइन बननी है, तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसका मतलब इन दो इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो जो शो करना था वो यहाँ शो हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी सेम यही है, शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके भी सॉल्यूशन ऐसे ही निकलेंगे, चलो देखते हैं सेम सॉल्यूशन सेटिस्फाइड करेंगे इस इक्वेशन को या नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5 + 2y। अब मैं अगर अपने सॉल्यूशन यहाँ निकालूँ, तो अगर मैं y की वैल्यू एक बार 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। ठीक है ना, अब y की वैल्यू अगर मैं एक बार 1 रखती हूँ तो 5 + 2 = 7 आ जाएगी एक। अब इक्वेशन 2 अगर हम चेक करें कि ये सॉल्यूशन उसको भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, देखते हैं चलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी x की वैल्यू, पहले मैंने क्या किया, इसमें से 3 कॉमन ले लिया ताकि मेरी इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ आ जाएगा x माइनस का 2y और ये हो जाएगा 15 अपॉन 3, तो ये कट होके 5 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये इक्वेशन 1 ही बन गई है आपकी, थी ना 1 वाली भी यही इक्वेशन है ना। तो इसका मतलब इसके भी जो सॉल्यूशन होंगे वो यही होंगे, 5 और 0 और 7 और 1, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफिकली तो दिखाना ही है ये, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, -1, -2, -1, -2। ये माइनस का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस का वाई एक्सिस। चलिए पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं हम यहाँ पर। तो 0 और 5 है तो एक्स 5 है तो वाई 0 है, एक्स 7 है तो वाई कितना है, 1 है। दूसरे के भी यही है क्योंकि इक्वेशन ही दोनों की सेम हो गई है, मैंने जैसे ही 3 को कॉमन लिया तो, है ना। तो ये एक आपके पास इक्वेशन यहाँ लिख दो, x माइनस का 2y = 5, एक इक्वेशन आप यहाँ लिख दो 3x - 6y = 15, और जो कोऑर्डिनेट्स आपने यहाँ निकाले हैं वो भी आप यहाँ लिखो 7 और 1, यहाँ लिखो 5 और 0। तो बन रही है ना कोइंसिडेंट टाइम, इसका मतलब इन दो इक्वेशंस के क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है दोबारा, शो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें भी आपको यही शो करना है, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो 3x + y = 8 है, मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली वो आ गई 8 - 3x। वैल्यूज़ को पुट करते हैं चलो अब हम यहाँ। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू 8 आएगी, x की वैल्यू को अगर मैं 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि 3 1 जा 3, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। अब अगर हम अपनी इक्वेशन 2 यहाँ पर देखें तो वो मेरे पास है यहाँ पर 6x + 2y = 16, यहाँ से मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3x + y, और यहाँ 16 ऐसी है तो 3x + y, अब 2 दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 8 आ गया। ध्यान से देखो ये आपकी इक्वेशन 1 ही बन गई है वापसी कॉमन लेते के साथ, जैसे भी ऊपर वाले क्वेश्चन में बनी थी, तो इसके भी यही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। अब आप अगर अपना ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट ही बनेगा ग्राफ तो, ये माइनस का एक्स हो गया आपके पास, ये वाई हो गया आपके पास, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, माइनस का 0 हो गया यहाँ पर, यहाँ आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ पर ले लेते हैं 1, 2, क्योंकि y की वैल्यू 8 तक है, 3, 4, 5, 6, इसको थोड़ा ऊपर तक लेना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू हमने 8 तक ले रखी है, सेवन और एट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -1 और -2, यहाँ पर भी -1 और -2 आ जाएगा। अब अगर पॉइंट्स को प्लॉट किया जाए तो एक्स 0 है तो वाई 8 है यहाँ पर है कहीं, और एक्स 1 है तो वाई 5 है, तो ये यहाँ पर है कहीं। बस इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, दूसरी इक्वेशन के भी तो यही सॉल्यूशन है तो इसी के ऊपर ही बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख दो 1 और 5, दोनों साइड पे एक एक साइड पे एक इक्वेशन लिख दो, यहाँ पर 3x + y = 8 लिख दी, और इस वाली साइड पे आप लिख देना 6x + 2y = 16। तो जब कोइंसिडेंट लाइन बने तो हमेशा याद रखना आपकी कोइंसिडेंट लाइन होते तो हमेशा आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं चलो यहाँ पर। तो कह रहे हैं शो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी क्या क्या इक्वेशन चेंज कर दिए, चलो देखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 अगर हम देखें तो x - 2y + 11 = 0 है, तो x की वैल्यू निकालूंगी यहाँ पर, तो क्या आएगा 2y - 11। सॉल्यूशन निकालती हूँ चलो यहाँ पर मैं, तो अगर मैं y की वैल्यू 2 रखती हूँ तो 2 2 जब 4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 4 में से 11 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्लियर है ना। एक बार मैं y की वैल्यू 3 रख देती हूँ, 3 2 जा 6, 6 में से 11 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। अब अगर हम अपनी इक्वेशन 2 देखें, इसके सॉल्यूशंस देखें, तो यहाँ 3x - 6y + 33 = 0। सेम वही अगेन, आप यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे आप 3 कॉमन लेंगे तो x - 2y + 11 = 0 आ जाएगा, 3 दूसरी साइड जाएगा 0 बन जाएगा,
एक्स माइनस टू वाई प्लस का 11 इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वही वैल्यू आ रही है जो ऊपर आ रही थी, तो इसके सॉल्यूशन भी तो फिर वही होंगे जो ऊपर वाले थे, है ना। तो देख के ही पता चल रहा है कोइंसिडेंट लाइन बनेगी बनेगी, क्योंकि दोनों के सॉल्यूशन सेम है आपके पास, क्लियर है। तो इसका ग्राफ आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कोइंसिडेंट लाइन बन रही है नहीं बन रही। हर एक क्वेश्चन का ग्राफ आपको खुद बना के देखना है, सिर्फ सॉल्यूशन निकाल के नहीं छोड़ देना है, क्लियर है। तो आज हम यही चार क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 टू 14। इन चार क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी आगे और क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।